Hello everyone, in this video I will be discussing about jump search, another search technique for searching an item in an array. Now it is an improvement over linear search that we have already discussed and better than binary search when it is very costly in some cases. So let's discuss how it is done in C++. Now let us start with jump search, another search technique for searching an element in an array. Now jump search क्या होती है? ये एक variation है linear search की, हम कह सकते हैं, जिसमें एक condition क्या होती है कि binary search की तरह इसमें भी जो data है वो sorted होना चाहिए but ascending order में, और ये तब हमारे पास ज्यादातर यूज की जाती है जब हमारे पास लार्ज एरे हो और सॉर्टेड एरे हो और वो डेटा नॉर्मली यूनिफॉर्म हो। अब लीनियर सर्च के कंपैरिजन में ये एक बेटर सर्च टेक्निक है क्योंकि ये कम नंबर ऑफ कंपैरिजन में और हमें एफिशिएंटली उसको सर्च करके जो हमें आइटम चाहिए होता है उसको सर्च करके दे देती है। पर बाइनरी सर्च के कंपैरिजन में नो डाउट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, बट कुछ केसेस में जहाँ पे बाइनरी सर्च हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है या हमारे वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको रिकर्शन करनी पड़ रही है या कोई आइट्रेशन हो गई है जो कॉस्टली हो गई है, तो उस केस में हम बाइनरी सर्च का उस केस में हम जंप सर्च यूज करते हैं। अब जंप सर्च में बेसिकली ये जंप नाम इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये जंप करता है, स्किप करता है एक सेट ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एक ब्लॉक के ऊपर, उसको हम ब्लॉक साइज बनाते हैं, फिर उस फिक्स ब्लॉक साइज के ऊपर ये स्किपिंग करता है डिपेंडिंग कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट का जो हम लास्ट वाला एलिमेंट है वो उससे बड़ा है कि नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस केस में हमारे पास ये जरूरी है कि जो एरे हमारे को गिवन है वो सॉर्टेड होना चाहिए, और जब हम एक ऐसी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं फिर हम उसके ऊपर लीनियर सर्च करते हैं। तो क्योंकि ये जंप करता है एक स्पेसिफिक ब्लॉक साइज के और फिर हमें लीनियर सर्च करता है, तो जब तक कि टारगेट एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता, तो लीनियर सर्च के कंपैरिजन में ये जंप्स ज्यादा बड़ी ले लेता है या ब्लॉक साइज के बराबर की लेता है, इसलिए बेटर होता है। अब हम इस पे देखते हैं ये काम कैसे करता है या इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेप को बनाना पड़ता है यानी कि स्टेप साइज को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये जो स्टेप साइज या ब्लॉक साइज जिसको हम नॉर्मली स्टेप वर्ड से यूज करते हैं, पर आपकी मर्जी है, पर नॉर्मली हम इसको स्टेप से, तो ये जंप करवाता है किसकी वैल्यू क्या हम इनिशियलाइज करते हैं, स्केयर रूट ऑफ द एरे साइज। तो जो भी हमारे एरे साइज का स्केयर रूट होगा, अब अगर वो वैल्यू फ्रैक्शन में आती है डेसिमल्स में तो उस केस में हम उसका लोअर बाउंड ले लेते हैं। फिर हम उसमें जंप करते हैं हर बारी और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है, और जंप करते हैं जो भी हमारा ऊपर हमने स्टेप साइज बनाया यानी कि जो भी हमने ब्लॉक साइज बनाया होगा। तो इनिशियलाइज हमने कर दिया लेफ्ट और राइट को और हर बारी हमने स्टेप को जंप करना है स्केयर रूट के साथ। अब हमने हर बारी कहां जंप करना है, नेक्स्ट ब्लॉक में, तो उसके लिए हमें कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो राइट वाली वैल्यू है अगर वो साइज से छोटी है और एरे की जो राइट वैल्यू है वो आइटम यानी कि आइटम अभी उसके अंदर नहीं है और उसके लास्ट एलिमेंट के साथ यानी कि राइट मोस्ट एलिमेंट के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं कि राइट इधर इंडेक्स की वैल्यू है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट को तो लेफ्ट का इंडेक्स यानी कि नया ब्लॉक स्पेसिफाई करने के लिए उसका जो राइट होगा वो लेफ्ट बन जाएगा और राइट की वैल्यू में हम स्टेप साइज यानी कि एक नया ब्लॉक। तो इस तरह से हम एक नया ब्लॉक बनाते जाते हैं ये चीज का, तो इसलिए बट ऑब्वियस ये ब्लॉक का साइज स्मॉलर ही होगा पूरे एरे के कंपैरिजन में, तो इसलिए लीनियर सर्च से हमेशा ये बेटर ही मानी जाएगी। अब हम आगे चलते हैं कि इस केस में हम करेंगे क्या, अगर हमें वो आइटम मिल गई कि इस ब्लॉक के अंदर यानी कि वो जो पीछे हमने कंडीशन देखी है कि अगर तो ये है तो हम ऐसे आगे शिफ्ट करें, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे लीनियर सर्च विद इन द ब्लॉक। अब इसके लिए हमने कंडीशन क्या किया कि जो ब्लॉक है यानी कि उसका लेफ्ट से शुरू होके हम चेक करेंगे ये जो वैल्यू है हमें राइट या साइज माइनस वन, ये जरूर चेक करनी है क्योंकि हो सकता है कि एक बारी अगले ब्लॉक में, जैसे यहाँ पे देखे पहले हमारे पास जीरो था फिर हो गया थ्री, अब थ्री से सिक्स के केस में, तो यहाँ पे हमें चीज को ध्यान रखना है कि अब हमारी सर्च थ्री, तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू थ्री हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी नहीं है जैसे कि हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि हमने 26 सर्च करना है, तो हमारा ब्लॉक साइज यहाँ पे हो जाएगा सिक्स से नाइन। तो ये चीज यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू ये इस पर्टिकुलर की होगी और राइट की वैल्यू वो होगी, तो डिपेंड करेगा इसके मिनिमम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हर बारी ये क्या होगा, इसमें थ्री और इसमें मैक्सिमम नंबर 13 है तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे थ्री लेंगे, यहाँ
यहाँ पे 6 लेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे और एंड में तो वो आ ही जाएगा। और अगर उस केस में वो आइटम मिल जाता है तो हम उस केस में उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। तो ये रिलेटिवली कम कंपैरिजन करके देखता है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक C++ के प्रोग्राम में चेक करते हैं। अब जंप सर्च को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वही एरे इनपुट ले ली है जो हमने इंटरपोलेशन सर्च में ली थी, ठीक है। और इसमें हमने आइटम टू बी फाउंड भी वही लिया है जो हमारे पास 26 है। तो यहाँ पे मैंने उसका एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है, उसको मैंने एक एरे पास की है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है और आइटम टू बी फाउंड मैंने एज्यूम किया 26। और वो हमें रिटर्न करेगा एक इंडेक्स वैल्यू जिसको हम चेक करेंगे, अगर तो वो -1 नहीं है तो हम लिख देंगे कि आइटम फाउंड हो चुका है, नहीं तो वो हम लिख देंगे आइटम नॉट फाउंड। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं कि उसके अंदर हमने क्या लिखा है। यहाँ पे हमें मालूम है कि जब एरे पास होती है उसको रिसीव करने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है, साथ में हमने आइटम जिसको हमने सर्च करना है उसको भी हमने आइटम नाम से लोकल वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें जो स्टेप साइज है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो स्टेप साइज है हमने स्क्वायर रूट ऑफ द साइज लिया है। अब ये स्केयर रूट फंक्शन है तो हमने यहाँ पे सी मैथ हमने इंक्लूड कर लिया, आपको मालूम है सी से ये फाइल आई है एडर फाइल, और इसलिए हमने सी आगे लगा के फिर मैथ लिख दिया है। अब हमने इनिशियल सेट करना है, फर्स्ट एलिमेंट से बिगिन करना है। अब सबसे पहले हमें ब्लॉक फाइंड करना होता है कि वो कौन से ब्लॉक में लाई कर रहा है आइटम। तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसकी राइट की वैल्यू साइज से छोटी होनी चाहिए, साथ में उसका जैसे अगर ए एरे ऑफ राइट, इसमें इसका मतलब है कि अगर हमारा ब्लॉक है 0 से 3 के बीच में तो उस केस में हमारे पास याद रखना ARR जो भी होगा हम उसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे आइटम से। अगर वो आइटम से छोटी है तो इसका मतलब आगे हो सकता है, तो उस केस में हम नया लेफ्ट और राइट नया कर देंगे, यानी कि अगला ब्लॉक तो वो लेफ्ट क्या हो जाएगा उसका राइट, और राइट क्या हो जाएगा जो भी वैल्यू है स्टेप साइज का। इसका मतलब हम ब्लॉक बाय ब्लॉक डिफाइन करेंगे, तो ये काम हम करते रहेंगे जब तक ये कंडीशन यानी कि एरे ऑफ राइट इज लेस देन इक्वल टू आइटम। अब इस पॉइंट के आगे हमने करना क्या, अगर हमें वो ब्लॉक मिल गया है जिसके अंदर वो आइटम है, यानी कि जो हमारी आइटम है ये जो एरे ऑफ राइट है वो आइटम से छोटी है, तो उस केस में सॉरी एरे ऑफ राइट की आइटम अगर हमें ये मिल गई तो ये आगे हम चलते रहेंगे। अगर आइटम उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है, जैसे कि हमने ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो उस केस में हम यहाँ से लीनियर सर्च परफॉर्म करेंगे। अब लीनियर सर्च करने के लिए हम यहाँ पे उसकी लेफ्ट, यानी कि अगर मान लो वो 3 और 6 है तो हमारा सर्च होगा 3 और 6 इंडेसेस के बीच में, तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू जो भी आएगी, जैसे हमने नया ब्लॉक में 3 होगी तो वो 3 होगी। और दूसरा हमें ये कंडीशन जरूर देखनी है कि मिनिमम ऑफ राइट या साइज -1, ये भी मैंने बताया कि हमें एंड वाले ब्लॉक में वैल्यू क्या होगी 6 के बाद, अगर 3 से 6 है तो 6, तो इसलिए अगर वो साइज -1 तो 12 भी हो सकता है, तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर वो आइटम मिल जाता है तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये मिनिमम चेक करना है। और यहाँ पे मैंने इसको एक बार चला के देखता हूँ फिर आपको बताते हैं, एक मिनट। तो ये आइटम हमें मिल गई है जिसे आप देख सकते हैं, याद रखना कुछ सिलेक्ट करके ना चलाना। तो यहाँ पे हमें आइटम मिल गई है एट द इंडेक्स, तो मैंने ये भी काउंट करना है कि वो कितने हैं, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे काउंट ले लेता हूँ, ठीक है ये आप देख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं पता लगा सकूँ ये लूप कितनी बारी चल रही है। तो इस तरह से ये अगर आइटम मुझे कंट्रोल एस कर लेते हैं तो आप ये देखिए कि ये हमें लूप आइटरेट करके जो है 3 times में ही हमें आइटम दे रही है वो 26 एलिमेंट इंडेक्स 8 पे। लीनियर सर्च के कंपैरिजन में ये मच बेटर है क्योंकि हम ब्लॉक बाय ब्लॉक सर्च कर रहे हैं। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आगे देखते हैं इस प्रोग्राम की, एक बार आप ये पूरा प्रोग्राम देख लीजिए। इसमें हमारे पास हमने एक काउंट वेरिएबल, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है अगर आपने काउंट करना है, नहीं तो ये हमारा जो फंक्शन है इसमें हमने स्टेप साइज लेफ्ट राइट, फिर हमने वो ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है और उस ब्लॉक के अंदर हमने लीनियर सर्च करनी है, ये आप देख सकते हैं। और अगर वो नहीं मिलता तो हम यहाँ पे रिटर्न -1, तो ये वैल्यू कौन रिसीव करेगा, ये इंडेक्स वेरिएबल रिसीव करेगा और उसके अंदर ये आइटम हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है। ओके, अब हम जंप सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से ये तब बेटर है जब हमारा आइटम फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट आइटम ही प्रेजेंट है, तो उस केस में ऑफ द ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिल जाती है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बट इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ द ऑर्डर अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन होती है। ये इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे पास देखिए कितने जंप्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द स्टेप साइज, इतने ब्लॉक्स, और उस ब्लॉक के अंदर हमें स्टेप -1 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे,
और इसको वैल्यू को मिनिमम करने के लिए जो हमारे पास आता है तो वो लगभग स्केयर रूट एन के बराबर, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी स्केयर रूट एन होती है। ठीक है, क्योंकि लीनियर सर्च तो हमें करना ही पड़ेगा हर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और उतने ही ज्यादा हमें वो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे कितने ब्लॉक्स जंप करना है, तो वो टोटल हमारे पास इन चीजों का जंप्स और इसके लिहाज से स्केयर रूट है। तो ये अगर आपको याद हो, लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑफ द ऑर्डर एन और बाइनरी सर्च की होती है लॉग एन, तो बट ऑब्वियस है लीनियर सर्च से तो बेटर है, बट बाइनरी सर्च से हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बेटर नहीं है। पर मैंने आपको बताया कि बाइनरी सर्च के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे रिकर्शन ओवरहेड बहुत ज्यादा है या आइट्रेशन बहुत ज्यादा आइट्रेटिव वे में कारण, तो वहां पे अगर हमारे पास बाइनरी सर्च कॉस्टली होती है तो वहां पे हम प्रेफर करते हैं। और ये काम किस पे करता है, लार्ज एरेज में, जिसमें आपको मालूम है हमने कंडीशन लिखी थी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होगा तो बेटर। तो इस केस में हमारे पास एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी भी स्केयर रूट है, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टेप साइज आपको मालूम है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्केयर रूट निकाल के। तो यहाँ पे इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर वन है, क्योंकि हमारे पास कोई और चीज को इसको यूज नहीं करना पड़ता इंप्लीमेंटेशन, अदरवाइज अगर हम एन टर्म्स की बात करें तो एन एलिमेंट्स के लिए हमें यहाँ पे एन एलिमेंट्स तो स्टोर करने ही पड़ेंगे। तो आगे हम इसकी देखते हैं यूजेस क्या होती है। तो इसकी अगेन बहुत सारी यूजेस हैं जंप सर्च की, जैसे कि ऑनलाइन स्ट्रीम सर्विसेज में, जहां पे जो हमारे पास लाइब्रेरी ऑफ सॉन्ग एंड मूवी है उसमें हम बाइनरी सर्च के लिए एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाता है रिकर्शन और एक्स्ट्रा स्पेस के कारण, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। लॉग फाइल्स में, अगर हमने लार्ज लॉग फाइल्स में अगर हमने कोई स्पेसिफिक लॉग एंट्री सर्च करनी है टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली अगर सॉर्टेड है, नेटवर्क रूटेड एल्गोरिदम्स में अगर हमने करना है तो फाइनली कहाँ पे वो नेक्स्ट रूट करेगा हॉप पे, इस केस में स्पार्स एरेज वो होती हैं जहाँ पे ज्यादातर अनडिफाइंड या जीरोज आते हैं तो उनको एफिशिएंटली नेविगेट करने में हेल्प करता है। उस केस में रेंज बेस्ड क्वेरीज में जहाँ पे सॉर्टेड एरेज में होती हैं वहाँ पे ये वेरियस डेटा एनालिसिस में काम करता है। फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में भी ये यूज किया जाता है ट्रावर्स एडजेसेंसी लिस्ट को। तो ये कुछ एक यूजेस हैं जहाँ पे ये जंप सर्च प्रेफर किया जाता है। तो हम आगे इस वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। ओके।